उत्तराखंड सरकार प्रदेश में अवैध रूप से बने मजारों पर कार्रवाई कर रही है, ठीक वैसी मांग अब उत्तर प्रदेश में भी उठने लगी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से भाजपा के विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम से अपील की है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध मजारों का निर्माण करवाया जा रहा है। इन मजारों की वजह से आए दिन दुर्घटना भी हो रही है, ऐसे में इन मजारों को रास्ते से हटाया जाए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इस पर रोक लगनी चाहिए और इस प्रकार के जो मार्ग अवरुद्ध जिनसे होता है यातायात में लोगों को दिक्कत होती है। सीएम को लिखे पत्र में सुनील शर्मा ने तीन मजारों की फोटो भी भेजी है और मजारों का पता भी दिया है। भाजपा ने उनके बयान का समर्थन किया है। फिर भी यदि किसी मजार वगैरह का मुद्दा उन्होंने उठाया होगा तो शायद उनकी जानकारी में होगा, यदि अवैध कब्जा चाहे मजार के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से। इसके ठीक उलट समाजवादी पार्टी ने भाजपा के इस कदम को मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने वाला कदम बताया है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। दरअसल उत्तराखंड में बड़े स्तर पर सरकारी जमीन से अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हर तरफ ऐसे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है और अब साहिबाबाद से विधायक ने पत्र लिखकर ये मामला और गर्मा दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और गर्म हो सकती है। यूपी के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा 31 मई को रिटायर हो रहे हैं और उनके जाने के बाद डीजीपी के पोस्ट पर किसकी तैनाती होगी, इस सवाल को लेकर एक बार फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। यूपी में ठीक वही स्थिति दो महीने पहले हुई थी जब डीएस चौहान 31 मार्च को डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। सवाल है कि उत्तर प्रदेश को फुल टाइम डीजीपी कब मिलेगा या फिर लगातार तीसरी बार भी यूपी पुलिस कार्यवाहक डीजीपी के ही भरोसे रहेगी। यूपी पुलिस लगातार 13 महीने से कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे है, ऐसे में नए डीजीपी पद के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है, जिनमें 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल लगातार पहले नंबर पर हैं। फिर नंबर आता है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार और 1988 बैच के ही अधिकारी विजय कुमार का। इन तीनों आईपीएस अधिकारियों का कार्यकाल 2024 तक का है। सूत्रों के मुताबिक फुल टाइम डीजीपी बनाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से यूपीएससी को अभी तक अधिकारियों का पैनल नहीं भेजा गया और अगर ऐसा है तो यूपी पुलिस कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे ही रहेगी। और हाल ही में एडीजी से प्रमोट करके स्पेशल डीजी बनाए गए प्रशांत कुमार को ही कार्यवाहक डीजीपी बनाकर काम चलाया जा सकता है। प्रशांत कुमार का कार्यकाल मई 2025 तक का है। यूपीएससी की परीक्षा में यूपी की बेटियों ने कमाल किया है, टॉप चार में लड़कियों ने बाजी मारी, जिसमें से दो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इशिता किशोर ने यूपीएससी की परीक्षा में पहला रैंक हासिल किया, जो ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हैं। टॉप करने वाली इशिता किशोर ने कहा कि परिवार ने उनका पूरा समर्थन किया है और इसी वजह से आज उन्हें कामयाबी मिली है। आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। जब हमने देखा कि इसका नाम, हमें लगा था ढूंढना पड़ेगा, पर ये तो पहला ही नंबर हो गया, फिर तो खुशी तो दो मिनट के लिए इतनी जल्दी वो सिंक इन नहीं कर रही थी, बट जल्दी से फिर मैंने कहा कि तुम दो चार बार चेक करो, कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है बहुत लोगों का। बरेली की रहने वाली स्मृति मिश्रा ने चौथा स्थान हासिल किया। स्मृति मिश्रा के पिता पुलिस में कार्यरत हैं। स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट में काम करना चाहूँगी, साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने अर्बन लोकल गवर्नेंस में ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं अपने गवर्नमेंट से जो लोकल लेवल पे है, तो वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करूँगी। तो ये दोनों मेरी प्रायोरिटीज हैं। रिटायर यूपीएससी का और मेरी बेटी स्मृति जो है ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की है। टॉप 20 में यूपी के चार युवाओं ने जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश की बेटियों के डंके की गूंज ग्रेटर नोएडा से बरेली तक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।